दोस्तों रेडियो को तो हमने काम में लिया है कभी ना कभी यार किसी ना किसी चीज को सुनने के लिए, लेकिन यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए सैटेलाइट रेडियो की तो दोस्तों हो सकता है कि आप में से मेजोरिटी ऑफ यूजर वो कंफ्यूज होते हैं उस चीज को लेके, लेकिन हो सकता है ज्यादातर लोगों ने इसको यूज भी किया हो। तो यार आज का वीडियो अगर तक दिखते रही है, मैं आपसे आज बात करूंगा ऐसी सैटेलाइट रेडियो की और दोस्तों देखेंगे कि आखिर ये सैटेलाइट रेडियो जो है वो किस तरीके से हमें अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है किसी भी चीज को सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह सवाल निकल के आ जाता है कि यार रेडियो की तो शुरुआत थी वो तो हुई थी साइंस के अंदर सबसे पहले, और यार उससे पहले भी काफी चीजें जो थी वो इन्वेंट हो चुकी थी, लेकिन अगर मैं बात करता हूं से एंटरटेनमेंट की, तो एंटरटेनमेंट की जो शुरुआत हुई वो हुई रेडियो से, उसके बाद में हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एवोल्यूशन होते गए। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूंगा रेडियो की, तो रेडियो के लिए बेसिकली जो है वो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसको सबसे पहले जो है वो इंसान ने यूज किया और फाइनली उसी से जो है वो एंटरटेनमेंट का आगाज हो गया। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना रेडियो की, तो आप भी जानते हैं कि मल्टीपल रेडियो जो है वो हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं, अलग अलग वैरायटीज के अंदर देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्राइस के अंदर देखने को मिलते हैं, और यार अलग अलग फंक्शनलिटीज जो है उनके ऊपर ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ ना सैटेलाइट रेडियो की, तो दोस्तों आप में से हो सकता है कि जो काफी यूजर्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं इन टर्म को लेके, लेकिन हो सकता है जो मेजोरिटी है उन्होंने इस चीज को यूज भी किया हो। अभी अब देखो, मैं अगर आपसे बात करूँ सैटेलाइट जो रेडियो है उसके बारे में, तो दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों सैटेलाइट रेडियो जो है बेसिकली वो एक तरह का रेडियो है जो सैटेलाइट के साथ में कम्युनिकेशन करने के बाद में जो है वो हमें कोई भी चीज है कोई भी इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। अब यार ऐसे में अगर बात निकल के जाए हमारे पास और बेसिकली मैं बोलूंगा ना एग्जिस्टिंग रेडियोज की, जिसके अंदर बात की थी अलग अलग रेडियोज की जो कि सैटेलाइट के ऊपर वर्क नहीं करते, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें सिर्फ सैटेलाइट रेडियो की, तो दोस्तों सैटेलाइट रेडियो का जो बेसिकली मेन पर्पस है वो तो ये है कि सैटेलाइट की मदद से जो है वो एंटरटेनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है किसी भी यूजर या फिर किसी भी पर्सन को। अब यार मैं अगर आपसे बात करूँ सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट तो आप भी जानते हैं और इसके पहले मैं वीडियो भी बना चुका हूँ सैटेलाइट के ऊपर, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट रेडियो के बारे में। अब यार देखो दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे यार हमारे पास जो रेडियो उसके अंदर चैनल्स जो अलग अलग एफएम जो है जिसके ऊपर हमने ट्यून किया तो ये चैनल आ गया, इसके बाद ट्यून किया तो ये चैनल आ गया, मतलब अलग अलग ट्यूनिंग हम करते रहते हैं और अलग अलग जो हमारे पास जो बेसिकली एंटरटेनमेंट के प्रति वो देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए सैटेलाइट रेडियो की, तो दोस्तों सैटेलाइट रेडियो से तो हमारे पास सिंपल में दिमाग में सवाल ये आता है कि जो रेडियो है वो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने के बाद में हमें कोई भी अपना मनपसंद चैनल या फिर कोई भी जो है वो सॉन्ग सुनवा देता है। अब यार क्यों हम लेते हैं एफएम को काम में और अलग अलग एफएम्स के ऊपर जो है वो हम लोग काम में लेते हैं अलग अलग चैनल्स को, और चैनल्स के बाद में जो है वो हमें अलग अलग चैनल पे जिस चैनल पे हम जो भी चैनल जो है वो हमारे पास कम्युनिकेट करता है सैटेलाइट के साथ में, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी चैनल उसको ट्यून करते हैं हमें हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाती है और हमें जो भी हमें चीज चाहिए होती है वो इजीली मिल जाती है। अब यार देखो, अब जरा बात करते हैं आखिर इस रेडियो सैटेलाइट रेडियो के बारे में और दोस्तों देखते हैं कि आखिर ये सैटेलाइट रेडियो जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। अब यार देखो सैटेलाइट रेडियो क्या करता है कि सैटेलाइट रेडियो को हम उस जगह पे काम में लेते हैं, मान लो कि कोई ऐसा एरिया है, कोई अर्बन एरिया या फिर कोई ऐसे जंगल वगैरह में आप फंसे हुए हो या फिर कोई ऐसी हाइकिंग की जगह पर आप लेके जा रहे हो, जहाँ पे आप हाइक कर रहे हो तो हाइकिंग के लिए आप लेके जा रहे हो, मतलब कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे इंटरनेट का कोई भी नामो निशान नहीं है, नेटवर्क का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो वहाँ पर आप ले सकते हो सैटेलाइट रेडियोज को काम में। और सैटेलाइट रेडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होती है। अब इसके अंदर हमारा बात अगर आ जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कि अगर आप किसी जंगल वगैरह में हो या फिर किसी अमेजोन के अंदर हो, कोई भी मतलब ऐसी जगह पर हो जहाँ पर जो रेडियो सिग्नल्स हैं या फिर किसी भी टाइप के जो सिग्नल्स हैं वो नहीं आ रहे, मोबाइल फोन के सिग्नल्स कंप्लीटली बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में आप रेडियो जो है सैटेलाइट रेडियो को उसके काम में ले सकते हो और बड़े ही आराम से वो जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देगा। अब यार एग्जैक्ट जो काम ये किस तरीके से करते हैं जरा इसके बारे में बात करते हैं। अब यार देखो इसके अंदर होता कुछ हुआ है कि आपका सैटेलाइट रेडियो जो है वो बेसिकली ग्राउंड उसका जो स्टेशन है बेसिकली वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद होता है, मतलब ग्राउंड स्टेशन जो होता है उससे आपका जो रेडियो बेसिकली जो आपके सिग्नल्स है वो जाते हैं ऊपर सैटेलाइट के पास में, और सैटेलाइट के पास में होता है ग्राउंड रिपीटर। रिपीटर मतलब ये कि वो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करेगा वापस ग्राउंड स्टेशन के पास में। अब यार मान लो अगर यूजर ने कोई चीज मांगी है, मतलब यूजर ने इस चैनल के ऊपर रिक्वेस्ट की, तो यूजर का सिग्नल है वो जाएगा सबसे पहले सैटेलाइट के पास में, और सैटेलाइट के पास में जो है ग्राउंड रिपीटर लगा है,
और रिपीटर के बाद में जो सिग्नल है बेसिकली वो हमारे पास जाएगा, रिपीट होने के बाद में सीधा जाएगा हमारे पास ग्राउंड स्टेशन के पास में जहां पर रिसीवर है, और रिसीवर से रिसीव होने के बाद में वो जाएगा सैटेलाइट के पास में, और सैटेलाइट से फाइनली रिफ्लेक्ट होकर आएगा यूजर के पास में, और बाद में उसको जो उसका सवाल है वो कंप्लीट तरीके से उसका आंसर मिल जाएगा। मतलब ये कि उसको जो भी चैनल का चाहिए होता है, जो भी मतलब इंटरनेट में उसको चाहिए होता है, जो भी चौंक ने उसके किया था वो कंप्लीट तरीके से उसको मिल जाता है। तो बेसिकली यार कंसेप्ट तो काफी ज्यादा कमाल का ऐसी सैटेलाइट रेडियो का, और इससे पहले भी हम काफी ज्यादा रेडियो को काम में लेते थे, इसके अंदर मैं बात करता हूँ आर्मी के अंदर लेते थे, मिलिट्री वगैरह के अंदर काम में लेते थे अलग अलग रेडियोज को, और यार अलग अलग पर्पजेज के लिए अगर मैं बात करता हूँ वॉकी टॉकीज की, तो वॉकी टॉकीज के अंदर भी यार रेडियो को काम में लेते थे, और डेफिनेटली रेडियो ने काफी जगहों पर हमारी मदद भी कर दी है। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी सैटेलाइट रेडियो के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर्ड।